उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने के बाद परीक्षा कराना सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। रामपुर में एक सेंटर में एक क्लास में सिर्फ एक ही छात्र मौजूद था, उसकी निगरानी के लिए खड़े थे कुल 10 लोग। इसके साथ ही सीसीटीवी तो था। यह वाक्या सिर्फ परीक्षा प्रणाली पर ही नहीं स्कूलों पर भी सवाल खड़े करते हैं। विद्यार्थी केवल आज एक ही हैं, शिक्षा शास्त्र का पेपर है 12th का, और इनके क्या कहना चाहिए, परीक्षा पूर्ण कराने के लिए हमारे स्टाफ की तरफ से सब पुलिस वालों को छोड़ के 8 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। तो सर और कितने अलग से फ्लाइंग स्क्वाड कितना है? और अलग से कुछ सब उसी में शामिल है, बाकी जो जिले स्तर का जो फ्लाइंग स्काउट चलता है वो आते जाते रहते हैं, और अधिकारी जो हमारे कहना चाहिए सेंटर सुप्रेंट होते हैं, ये तो एक्स्ट्रा वाले होते हैं, तो वो आते जाते रहते हैं। अभी तक तो कोई आए नहीं, हो सकता आने वाले होंगे, या अच्छा हम रिपोर्ट दे देते हैं पहले ही कितने पेपर हमारे यहाँ कब किस समय है या कौन सी पाली में है, तो उनका पास रिकॉर्ड रहता है, तो एक बच्चे को देखते हुए हो सकता ना भी आए कोई। तो एक बच्चे पर लगभग कितनी ड्यूटियाँ मिनिमम लगती हैं? एक बच्चे पर मिनिमम हमारी 2 कक्ष निरीक्षक लगते हैं, हमारे 3 स्वचलदल प्रभारी होते हैं, पहले से ही नियुक्त हो जाते हैं, वो लगातार चाहे छात्र एक हो या पूरे सेंटर के सभी बच्चे हों, पंजीकृत जितने छात्र सब हों, तब भी 3 ही रहेंगे। उनके बाद 2 हमारे परीक्षा में लगे रहते हैं, एक जो है केंद्र व्यवस्थापक होते हैं। इससे नकल मुक्त अलग नकल मुक्त कराने के लिए क्या सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है? हाँ, सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है, वॉइस रिकॉर्डर की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो नकल रोकने के लिए पूरी व्यवस्था जो है कायदे में नियमानुसार केंद्र व्यवस्थापक और जो हमारे अधीनस्थ जो कक्ष निरीक्षक होते हैं उनके ऊपर ही जिम्मेदारी होती है। भय रहता है बच्चे को उन चीज़ों का, या जो सरकार चाहे कि किसने क्या किया तो उसको देख सकती है, लेकिन कराने और रोकने का काम केवल अध्यापक